नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में बजरंग बली से जुड़े 10 रहस्य, शायद आप नहीं जानते होंगे। पर उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 मार्च को हनुमान जयंती है। हनुमान जी सभी देवों में ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के द्वारा प्रसन्न करने पर बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही हल लेते हैं। भगवान हनुमान आज भी इस पृथ्वी पर जीवित स्थिति में भ्रमण करते हैं। पवन पुत्र बजरंगबली के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा। हनुमान जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन की 10 रहस्यमय बातें। हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। वैसे तो हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्यदेव और नारद जी के अलावा इन्होंने मातंग ऋषि से भी शिक्षा दीक्षा ली थी। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है श्रीलंका के जंगलों में मातंग ऋषि के वंशज आदिवासी से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। हनुमान जी और भगवान राम के बीच का युद्ध। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के साथ युद्ध भी किया था। दरअसल एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से नाराज हो गए थे और उन्होंने राम जी को हनुमान जी को मौत की सजा देने को कहा। भगवान राम ने ऐसा किया क्योंकि वे गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी राम नाम जपते रहे और उनके ऊपर प्रहार किए गए सारे शस्त्र विफल हो गए। हनुमान जी के भाई थे भीम। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस तरह से भीम हनुमान जी के भाई हुए। माता दुर्गा के सेवक हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी उनके पीछे पीछे। माता के देश में जितने भी मंदिर हैं वहां उनके आसपास हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर जरूर होते हैं। पहला हनुमान स्तुति। हनुमान जी प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? दरअसल सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। ब्रह्मशास्त्र तथा हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। अशोक वाटिका पर उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बेअसर रहा था। पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। रामायण लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर पत्थरों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये बात हिमालय जाने पर पता चला तो वे हिमालय गए और वहां पर लिखी रामायण पढ़ी। कैसे पढ़ा नाम हनुमान? अपनी ठोड़ी के आकार के कारण से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी। प्रमुख देव हैं भगवान हनुमान। हनुमान जी चार कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण ये है कि सभी देवताओं के पास अपनी शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित हैं। दूसरा कारण शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा कारण वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कारण वे आज भी सशरीर हैं। हनुमान पिता भी हैं। हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका मकरध्वज नाम का भी एक बेटा भी था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फ्रेंड एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।